बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरे बहुत ही मज़ेदार और ख़ास व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पे मेरे पेज को फॉलो कर लें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ़िश फ्राई की रेसिपी। तो इसके लिए हमें चाहिए गरम मसाला 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून भर के चाहिए धनिया और ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के चाहिए हल्दी और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाहिए नमक, 1 टेबलस्पून भर के चाहिए अजवाइन और 1 टेबलस्पून हमें चाहिए कसूरी मेथी, जिसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फ़िश में, 1 टीस्पून भर के चाहिए काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून हमें भर के चाहिए लहसुन और अदरक कुटा हुआ और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए लेमन जूस। इसमें हम सिरका भी ऐड करेंगे और लेमन जूस भी। तो इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 1 1.5 kg फ़िश ले ली है। उसको अच्छी तरह धोकर मैंने उसको छलनी में रख दिया था 2 दिनों के लिए फ्रिज में, ताकि अच्छे से उसका पानी निकल जाए और बहुत अच्छी हमारी फ़िश तैयार हो। इन मसालों को, ड्राई मसाला जात को हम मिक्स कर लेंगे। ड्राई मसाला जात को मिक्स कर लेंगे और लहसुन और अदरक को हम फिश के ऊपर डायरेक्ट ही लगा लेंगे। तमाम मसाला जात मिक्स हो गए हैं, अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी और आसान रेसिपी है। तमाम इसमें घर के मसाले आपने देखा यूज़ हुए हैं। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को तैयार करेंगे तो आप बिल्कुल भी पैकेट वाले मसाले को भूल जाएंगे और आपको कभी भी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैकेट वाले मसाले की। तो आइए अब फिश को हम लहसुन लगा लेते हैं। लहसुन और अदरक ये हम लगा लेते हैं, इसको मसल मसल कर पीसेस के ऊपर हम लगा लेंगे। इसको बहुत आसान और तैयार होने वाली जल्द रेसिपी है, लेकिन चूंकि फ़िश कभी भी फ्रेश अच्छी नहीं बनती, इसको आप जब भी पकाएं इसको पहले 2 दिन के लिए आप धो के फ्रिज में रख छोड़िए तो आपकी फ़िश बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि फ़िश पानी में होती है, इस वजह से इसमें पानी इनफ होता है। तो जब हम इसको तैयार करें तो आप इसको अच्छी तरह छलनी में रखें ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए और ड्राई हमारी फ़िश बने। जो मसाला जात हमने मिक्स किए हैं वो अच्छी तरह इसके ऊपर हम लगा लेते हैं। ट्रे में होने की वजह से देखें बहुत अच्छे से इक्वली हर जगह पे मसाला लग जाएगा। तो आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए रेसिपी को। एक दफ़ा अगर आप इस रेसिपी से फ़िश को तैयार करेंगे तो फिर आपको कभी भी कोई किसी और रेसिपी की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसको बोल में शिफ्ट कर लेते हैं। जिस साइड से मसाला हमने लगा लिया है उसको कर लेते हैं नीचे, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह हम इसको मसाला लगा सकें। तो देखिए इसी तरह हम दूसरी साइड से भी मसाले लगा लेंगे। तो तमाम पीसेस को तह बतह आप रखते जाइए और मसाला लगाते जाइए। फ़िश के बहुत ही मुनासिब पीसेस हमने कर लिए हैं, बहुत बड़े भी नहीं हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं। तो मुनासिब साइज़ की वजह से इसकी हैंडलिंग बहुत आसान होती है। तो आप भी इसी तरह मुनासिब साइज़ में अपनी फ़िश को कर लीजिए। बाकी पीसेस के ऊपर भी हमने अच्छी तरह मसाला लगा लिया है। ट्रे में जो मसाला बच गया है वो भी हम अच्छी तरह लगा लेते हैं इसके ऊपर। तमाम मसाला लग चुका है। अब इसमें मैंने डाला है लेमन जूस और सिरका, 2 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। आप आराम से 3 टेबलस्पून तक इसमें ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस इसमें मैंने डाल दी है 2 टेबलस्पून। बहुत अच्छा टेस्ट सोया सॉस का इसमें आएगा फिश में। तो मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो हमें इस को 24 घंटों के लिए दोबारा फ्रिज में रखना है। उससे मसाले बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे फ़िश के अंदर और अंदर से भी फ़िश का बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा।
फ़िश को रखना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 6-7 घंटे और 24 घंटों तक अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। अगर आप फौरी तौर पर मसाले लगा कर इसको पकाएंगे तो आपकी फ़िश उतनी टेस्टी नहीं बनेगी जितनी आप इसको 24 घंटे मैरिनेट करने के बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। फिश सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, हमारे घर में तो 2-3 पीस रोज़ ही इसके फ्राई होते हैं। इस स्टेज पे आके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, जब एक दिन आप इसको रख लें तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं डब्बे में, और जब आपको बनानी हो तो आप इसमें से 2-3 पीस निकालिए, उसको आप निकालिए और बेसन लगा कर आप फ्राई कर लीजिए। तो हम इसका बेसन तैयार कर लेते हैं। फिश का मैंने ले ली है 4 टेबलस्पून बेसन और उसमें 1 चुटकी येलो कलर डाला है मैंने, कलर से बहुत अच्छी लुक आएगी और बहुत अच्छा बेसन का कलर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि फ़िश का बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा इसके साथ। 1/2 कप मैंने पानी ले लिया है और उसको थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा थिक बैटर हमें नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए हमें, तो हमें सिर्फ इतना बेसन तैयार करना है कि एक हल्की सी तह फिश के ऊपर आ जाए, ताकि जो मसाले हमने लगाए हैं उसके ऊपर वो उसके अंदर ही सील हो जाएं और फ्राई करते वक्त ऑयल के अंदर बिखर ना जाए। थोड़ा थोड़ा पानी करके आप ऐड करते जाइए, जितना पानी हमने 1/2 कप लिया था तकरीबन उसका भी 1/2 पानी यूज़ हुआ है बस। अब ये इतना पानी काफ़ी है, इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। उससे पहले हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी नमक। ये सिर्फ बेसन के लिए ही है, फिश में जो हमने नमक डाला है वो उसके लिए इनफ है। तो फिश को भी फ्रिज में रखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं, तो बहुत अच्छी फिश मैरिनेट हो चुकी है। फिश की इन पीसेस को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह और इनको बेसन लगाकर हम ट्रे में रखते जाएंगे। इंशाल्लाह ताला ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो फिर आप हमेशा इसी रेसिपी से ही इसको बनाएंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप रेसिपी को फॉलो करते जाइए और प्लीज़ फाइनल लुक तक आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी ये रेसिपी लगेगी। ये देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए आप। इसी तरह हमने बेसन तमाम पीसेस के ऊपर लगा लेना है। ऑयल को हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कितना ऑयल गर्म हो चुका है। तो ये देखिए आप स्टिक के साथ चेक कर लीजिए, तो ऑयल अच्छा खासा गर्म है और हमें इतना ही गर्म ऑयल चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा बाहर से बेसन की तह अगर अच्छी तरह पक जाएगी तो बेसन बिखरेगा नहीं और पीसेस हमारे टूटेंगे नहीं। इसको तकरीबन 4-5 मिनट इसी ऑयल में इसी तरह तेज़ आँच पकाने के बाद हम इसकी आँच हल्की कर देंगे। ये देखिए अब मैंने आँच भी कुछ कम कर दी है और एक साइड से अच्छी तरह पक चुकी है, तो इसकी साइड को टर्न कर लेते हैं। लेकिन बहुत एहतियात के साथ आपको करना है कि जो पीसेस हैं वो टूटे ना। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलर आया है फिश का। इसी कंडीशन में हमें 3-4 मिनट और इसको पकाना है। तकरीबन 8-10 मिनट आप इसको पकाएंगे तो आपकी फ़िश बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अच्छा सा जो है आप इसको अच्छी तरह घी अलग कर लीजिए और आप इस फिश को अब निकाल लीजिए। इसी तरह आप तमाम पीसेस को फ्राई कर लीजिए। इतनी अच्छी प्यारी खुशबू है किचन में मेथी की और अजवाइन की, और दिखने में लुक भी बहुत खूबसूरत है। मैंने इसके लिए ग्रीन चटनी तैयार कर ली है, धनिया पुदीना जीरा और नमक और लेमन डाल के। तो आप भी इसी तरह इसको तैयार कर लीजिए। तो आइए फिश को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी फ़िश तैयार हुई है लेयर्स में,
तो बहुत जल्द किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। तो इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।